शुरुआत कर रही हूं। हमारे साथ शहीद सिपाही गुरतेज सिंह के भाई, उनके बड़े भाई त्रिलोकी सिंह जी हैं। हमारे साथ शहीद सिपाही जय किशोर सिंह के भाई सिपाही नंद किशोर सिंह जी हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आती सर, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि शायद उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आज हर शहीद का परिवार हमारा परिवार है, क्योंकि ये वो हिंदुस्तानी परिवार है जो जोश और जज्बा देते हैं अपने बच्चों को फौज में जाने के लिए, वो हिम्मत देते हैं कि सरहद की रक्षा करें, और उस हिम्मत को लेकर अपने हाथों में और अपने सीने में हमारी सरहद की रक्षा हमारे फौजी करते हैं। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ आज, अगर त्रिलोकी जी आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आपने अपने भाई को खोया है, इस देश ने एक बेटे को खोया है, आज के दिन सबसे पहले एक भाई क्या कहना चाहता है? त्रिलोकी जी आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? मैं एक बार फिर इन पर आने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं मेजर आर्या आपके साथ और अब्दुल रजाक खान के साथ। मैं एक बात बिल्कुल सीधी कह रही हूं, एक बात बिल्कुल सीधी है कि क्यों हम इंतजार कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जो सामान हम खरीदते हैं वो चीनी फौजियों की जेब भर रहा है, चीनी सरकार की जेब भर रहा है। मैं क्यों ये सामान खरीदती रहूं? एक तरफ मैं अपने फौजियों की ये शहादत देखूं और दूसरी तरफ मैं उसी सामान को खरीद कर चीनी फौज की जेब भरूं? क्या इतना मुश्किल है ये करना? नहीं सुचारिता, ये मुश्किल नहीं है। इसमें एक नेशनल विल चाहिए, इसमें एक रिजॉल्व चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कि सरकार कल से बोले कि ये हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड अग्रीमेंट्स और ट्रेड ट्रीटीज हैं। लेकिन जैसे कि रजाक साहब बैठे हैं यहाँ पे, मैं हूँ यहाँ पे, और हमारे बड़े गेस्ट हैं, आप हैं, अगर हम सब लोग मिल के हिंदुस्तानी बन के एक निश्चय करें कि ठीक है हम धीरे धीरे इस चीज को खत्म कर देंगे, ओवरनाइट तो खैर कोई भी खत्म नहीं कर सकता, लेट्स बी रियलिस्टिक, लेकिन हम सब लोग करें तो ये मुमकिन है और ये हो सकता है। अगर हम निश्चय करें तो यही बात मैं कह रही हूँ कि ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा। अगर मैं यहाँ सोच लूं कि और जो चीनी सामान के लिए मैंने पैसे दे दिए उसको नुकसान पहुंचाकर तो मैं अपने ही नुकसान कर रही हूँ, वो मत कीजिए आप। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में उस सामान को क्यों खरीदेंगे आप? अब्दुल रजाक खान, मुझे लगता है ये इतना मुश्किल है क्या? आज आप भी मेरे साथ हैं कि नहीं है? सुचारिता जी, सबसे पहले इन 20 शेर जवानों को मेरी तरफ से सलाम, नमन और श्रद्धांजलि। कल मैं गौरव आर्या जी की एक बात सुन रहा था, अर्नब जी के साथ डिबेट करते हुए इन्होंने एक बात कही कि ये जवान जानते भी नहीं कि हम कौन हैं, ये हमारे लिए वहाँ खड़े थे, हमारी सुरक्षा के लिए इन्होंने अपनी जान गंवाई। मैं इनका नमन करता हूँ, इनकी श्रद्धांजलि। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए 4.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, 1.25 लाख करोड़ का इम्पोर्ट हम लोग चाइना से करते हैं, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, इम्पोर्ट 4.5 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, टोटल $60 बिलियन का ट्रेड बिजनेस हम चाइना के साथ करते हैं। बिल्कुल वजह बात है कि देखिए मिलिट्री का छेड़ उन्होंने छेड़ा है, अब भारत को जवाब देने के लिए मिलिट्री जवाब सेना देगी, देश का हर नागरिक इसके अंदर सपोर्ट कर सकता है, इनको हम इकोनॉमिक जवाब भी दे सकते हैं। हर कोई अगर मिल करके आज इस मुहिम में जुड़ेगा, इस अभियान को चलाएगा कि हम चाइना को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो चाइना अपने घुटनों पर आ जाएगा, ये सबसे पहली बात। मैं सरकार से भी ये सवाल करना चाहता हूँ, 14 फरवरी को जब पुलवामा का हमला हुआ तो 15 फरवरी को घोषणा की गई थी, हमने पाकिस्तान से MFN का स्टेटस निकाल लिया था, उनसे छीन लिया था, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रेड अग्रीमेंट होता है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हमने हटा दिया, इम्पोर्ट ड्यूटी हमने 200% बढ़ा दी। आज मैं सरकार से सवाल कर रहा हूँ कि सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? आपको अच्छा लग रहा है आज के दिन अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए सर, सिर्फ और सिर्फ सवालों की फेरिस्त लेकर आ गया हूं मैं आज के दिन? अच्छा लग रहा है आपको? मैं आपसे पूछ रही हूँ, सरकार इंपोर्ट टैक्स क्यों नहीं बढ़ा सकती? हमने यहां तक कहा था कि नदियां जो कश्मीरी रीजन से पाकिस्तान देती हैं, हम पानी भी रोक देने की बात किए थे, सिर्फ और सिर्फ सवाल, हमारे जवान शहीद हुए थे। हाँ। आज हमारे 20 जवानों को
सवाल नहीं है। देखिए मैं अब्दुल रजाक खान में चाहूंगी मेरे और मेहमान अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकती। नहीं नहीं अब्दुल रजाक खान मैं आपकी आपका सवाल अपनी जगह है लेकिन मैं बड़ी बात कह रही हूं कि आज के दिन जब हम एक तरफ अपने वीर शहीदों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप रहे हैं वहीं दूसरी तरफ उनके ही जिस शौर्य को लेकर आज हम सलाम कर रहे हैं उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आज की राजनीति ये हो गई है कि हम पूछ रहे हैं कि किस तरह निहत्ता भेज दिया, आज हम पूछ रहे हैं कि क्यों हमने ये पानी बंद नहीं किया, MFN स्टेटस की बात आप लेकर बैठे हैं। मैं तो आज सीधे पूछ रही हूं प्रेम शुक्ला जी मैं आज के दिन तो सवालों से बख्श दीजिए, आज तो एकजुट होकर बताइए आप साथ हैं कि नहीं है। निश्चित देखिए सारा काम सरकार करेगी, राहुल गांधी और अब्दुल भाई जो है ये सिर्फ सरकार से सवाल पूछेंगे, इनका कोई राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं है, राष्ट्र की सुरक्षा में कोई योगदान नहीं है, राष्ट्र के स्वावलंबी बनने में कोई योगदान नहीं है, राष्ट्र आत्मनिर्भर बन जाए इसमें कोई योगदान नहीं, सिर्फ सवाल पूछेंगे। कुछ लोगों ने अपने को सवाल तक सीमित कर रखा है, सवाल तक सीमित रखने के पहले कृपा करके बताइए ना चीनी सामानों से इतना प्यार क्यों, क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जाकर MOU क्यों साइन करके आती है, राहुल गांधी सोनिया गांधी क्यों चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एग्रीमेंट साइन करते हैं, क्या कारण है बताइए, हिम्मत हो तो राहुल गांधी है सामने लोगों को बताएं क्या कारण है, दिया है क्या है चीन की आवाज में बात मत करिए, नीचे आवाज में बात करिए, पहले आवाज धीमे करिए अपनी, तुम हिलाने का रास आवाज धीमे करिए, इस देश को आपने वहां पहुंचा दिया चोरी चोरी, यहां से निकलना मुश्किल है, क्या कारण है बताइए, भारत के साथ जवाब नहीं है, ये चिल्लाने से बात नहीं बनेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, हमारे वीर सैनिकों की शहादत हो गई, आप बेशर्मी के साथ चिल्लाते रहे, आपके नेता शहीदों के शवों के ऊपर चुनावी रैलियां संबोधित करते रहे, आज सुनिए आज की सबसे बड़ी जरूरत ये है ना कोई दल है ना सरकार है न विपक्ष है, सब एक है और मैं चाहती हूं कि ये एकता दिखाइए आज, इस तरह से लड़ाई करके थोड़े ही, मैंने तो एकता की बात कही, मैंने कहा 130 करोड़ हिंदुस्तानी आज एक साथ शपथ ले, एक प्रण ले, किसने ले उस प्रण में आवाज एक होगी। मेजर आर्य कुछ कहना चाहेगा, अगर सुनिए एक मिनट, दुष्यंत नागर जी, दुष्यंत जी।